हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ वर्षा और आप लोग का स्वागत करती हूँ वर्षा का किचन में। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम बनाने वाले हैं मोस्ट डिमांडिंग चॉकलेट वॉलनट ब्राउनी, फजी, चुई और चॉकलेटी। ये चॉकलेट ब्राउनी हमने बनाई है विदाउट एग, बिल्कुल परफेक्ट माप के साथ। मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि बिल्कुल परफेक्ट चॉकलेट ब्राउनी विदाउट एग हम घर पे कैसे बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ सबसे पहले मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिला के रख लूंगी। तो एक बाउल ले लिया है मैंने यहाँ पे, और माप आप जरूर से देख लीजिएगा, माप बहुत इम्पोर्टेंट है ब्राउनी में। तो यहाँ मैं ले रही हूँ 3/4 कप मैदा है, पूरा भर के कप नहीं है ये। और अब इसमें 1 टेबल स्पून भर के मैं कोको पाउडर डालूंगी, मिलाऊंगी इसमें 1/4 छोटा चम्मच नमक, और साथ ही मैं मिलाऊंगी 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर। और इसे आप चाहें तो 2 से 3 बार छान लीजिए और बिल्कुल अच्छी तरह इसे मिला के आप साइड में रख लीजिएगा। और इसे थोड़ी देर के लिए हम साइड में रख देंगे। और चॉकलेट के लिए ले लेंगे हम एक दूसरा बाउल। तो यहाँ हमें लगेगी 1 कप भर के चॉकलेट, और ये रूम टेम्परेचर पर है। इस चॉकलेट को हमें मेल्ट करना है, तो आप एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप चॉकलेट मेल्ट करें तो चॉकलेट हमेशा रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए। और चॉकलेट के साथ ही मैं 1/2 कप बटर ले ले रही हूँ, और ये भी रूम टेम्परेचर पर है। और अगर मैं ग्राम में बताऊँ तो ये 70-80 ग्राम है। और इसे हमें डबल बॉयलर पर मेल्ट करना है। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ, और एक गंज में आप लगभग 1 से 1.5 गिलास पानी गर्म होने के लिए चढ़ा दीजिएगा। और जब पानी में उबाल आ जाएगा तो आँच को कर लीजिएगा मीडियम। और इसके ऊपर हमें अपने चॉकलेट का बाउल रखना है। बस आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो बाउल है नीचे के पानी से टच नहीं होना चाहिए। और एक बात का और आप ध्यान रखिएगा कि चॉकलेट में 1 बूंद भी पानी नहीं जाना चाहिए, वरना चॉकलेट खराब हो जाएगी। और थोड़ी ही देर में भाप की हीट से जो चॉकलेट है हमारी वो मेल्ट होने लगेगी। और आप इसे धीरे धीरे चलाते जाइएगा, देखिएगा कि चॉकलेट मेल्ट होने लगेगी। और चॉकलेट जैसे ही मेल्ट हो जाएगी तो गैस को कर दीजिएगा तुरंत ही बंद, और इसे हटा लेंगे हम हीट से। और इसमें अभी हमें बाकी इंग्रेडिएंट्स मिलाना है, लेकिन हम तुरंत नहीं मिलाएंगे, करीबन 2 मिनट का इसे रेस्ट देंगे ताकि ये थोड़ी सी कूल डाउन हो जाए। और आपकी चॉकलेट जैसे ही मेल्ट हो जाएगी आप ओवन को 180 डिग्री पे प्री हीटेड होने के लिए रख दीजिएगा। चलिए 2 मिनट हो गए हैं, चॉकलेट थोड़ी ठंडी हो गई है। अब हम इसमें बाकी की चीजें मिला देते हैं। तो मैं यहाँ 3/4 कप पिसी हुई चीनी ले रही हूँ, और यहाँ हम बिना अंडे की ब्राउनी बना रहे हैं तो हम उसकी जगह यहाँ पर लेंगे दही। तो मैं 1/2 कप दही ले रही हूँ, और मैं यहाँ मीठा दही यूज कर रही हूँ। और 4 से 5 बूंद मैं वेनिला एसेंस की इसमें ऐड करूंगी, और इन सबको एक बार अच्छे से मिला लेंगे हम। और करीब 1 से 1.5 मिनट इसे मिलाने के बाद अब हम इसमें मैदे को मिला देंगे जो हमने शुरू में साइड में रखा हुआ था। और अब 2 बार में मैं इसमें मैदा मिलाऊंगी, पहले मैं 1/2 मिलाऊंगी फिर इसे मिला लूंगी। ब्राउनी और केक में एक अंतर होता है फ्रेंड्स, कि केक बहुत स्पॉन्जी होता है लेकिन ब्राउनी बहुत ही फजी और बहुत ही चॉकलेटी होती है। जब भी आप ब्राउनी बनाएं तो मेजरमेंट पे जरूर ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट आपको बताया है मैंने। और ये देखिए बहुत ही प्यारा हमारा ब्राउनी मिक्सचर तैयार हो गया है। और इसमें अभी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ डालनी है, क्योंकि हम वॉलनट ब्राउनी बना रहे हैं तो इसमें हम वॉलनट मिलाएंगे। बिल्कुल कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और मिक्सचर हमारा हो गया है रेडी, अब इसको डाल देंगे हम टिन में। तो एक टिन ले लिया है मैंने यहाँ पे, चौकोर लिया है, नीचे पार्चमेंट पेपर बिछा के इसे ग्रीस कर लिया है। और अब ब्राउनी मिक्सचर को हम इसमें डाल लेंगे, और थोड़े से वॉलनट मैं और ऊपर डाल दूंगी। 180 डिग्री प्री हीटेड ओवन में 20 से 25 मिनट के लिए इसे हम बेक कर लेंगे। 25 मिनट हो गए हैं, मैंने इसे ओवन से निकाल लिया है। एक बार देख लेते हैं कि ये पकी है कि नहीं। तो एक टूथपिक ले लीजिए और इसे इस तरह से डालिए, देखिए क्लियर बाहर आ गई है, मतलब ये बन चुकी है। और अभी ये बहुत गर्म है तो इसे अब हम ठंडा होने देते हैं करीबन 1/2 घंटे के लिए।
और ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए कितनी गुई है ये अंदर से, और ऊपर की जो स्किन है वो काफ़ी क्रिस्पी है। बहुत ही प्यारी ब्राउनी बनी है हमारी। और लीजिए फ्रेंड्स, इतनी चॉकलेटी वॉलनट ब्राउनी हमने घर में बिल्कुल आसानी से बना के तैयार कर ली। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। अपने फैमिली और फ्रेंड्स को अपने हाथों से बनी ब्राउनी ज़रूर टेस्ट कराइएगा। आप लोग इसे इंजॉय करिए। मैं मिलूंगी अब आपको अपनी अगली डिश के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी कुकिंग।